अल्लाह टू स्टूडेंट्स इससे पहले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो इंट्रोडक्शन है उस पर क्लास ले ली हमने ये डिस्कस कर लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कहते हैं देन वी डिस्कस्ट के हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह मख्तलिफ़ों पर मुख्तलिफ़्शन कर सकते हैं और इस तरह हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं वन इज़ द क्वेश्चन ऑफ़ आइडेंटिफिकेशन एंड अनदर इज़ द क्वेश्चन ऑफ़ यूसेज अब आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है दैट इज नाउन उस पर डिस्कशन करेंगे वट इज़ नाउन नाउन की हमारे पास जो बड़ी जबरदस्त डिफीनिशन है दैट इज एनी नेमिंग वर्ड बस हर वो वर्ड जो आपके पास नाम होगा नाम वो आपके पास क्या होगा वो आपके पास ना, नाउन होगा चाहे वो किसी पर्सन का नाम है जिस आप कहते अब्दुल्ला या आप कहते हैं कि समद या yeah, ये आपके पास किसी प्लेस का नेम होगा जिस तरह आप कहते हैं कि पेशावर और आप कहते हैं कि मर्दान ये आपके पास किसी बर्ड का नेम भी हो सकता है आप कहते हैं कि ईगल और आप कहते हैं कि स्पैरो इस तरह ये आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का नेम भी हो सकता है आप कहते हैं कि लिबर्ड और आप कहते हैं कि वफिलो यह आपके पास किसी थिंग का नेम भी हो सकता है आपके पास आ जाए मार्कर आपके पास आ जाए बोर्ड तो सिंपल <गीख> मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर वो वर्ड जो आपके पास नाम होगा नाम चाहे वो किसी इंसान का नाम है या वो किसी हेवान का नाम है चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नेम है चाहे वो किसी अदर चीज़ का नेम है कोई चीज़ आप कर रहे हो उसका नेम है या आप किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो उस चीज़ का नेम है तो हम उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे नाउन अब हम जो नाउन पे डिस्कशन करेंगे आप लोग नॉर्मली जब टीचर्स को सुनते हैं या आप नॉर्मली बुक्स को उठाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो डिस्कशन हुई होती है या आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया होता है वो आपके पास डिफिनीशन के बेस पर होता है यानी अगर आप जो है वो प्रॉपर नाउन को देखते हैं तो वहां पर आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन मिलेगी या अगर आप जो है वो कामन नौम को देखते हैं तो आपको जो कामन नउ की डिफ़ीशन है वो दी गई होगी लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास डिस्कशन डिस्कस नहीं होती तो हम इसको जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करेंगे हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी की पहली दफ़ा हो कि आप इसको इस स्टाइल से सीख रहे हैं लेकिन आप इससे जो है वो बिल्कुल आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है बल्कि आपने इस पर ग्रिप हासिल करनी है ताकि आपके पास किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सके हमारे पास है प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन ये हमारे पास है इंडिविजुअल ये हमारे पास है क्लास ये हमारे पास है प्लूरल और ये हमारे पास है आर्टिकल्स और ये हमारे पास है कैपिटल लेटर अब सब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है इसको हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं और कामन नाउन को हम इंडिविजुअल के लिए यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन को हम इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं जबकि कामन नाउन को हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ नहीं करते इसी तरह प्रॉपर नाउन को हम क्लास के लिए या इसको मैं अगर यहाँ पर ग्रुप लिखूँ तो भी ठीक होगा या ग्रुप के लिए यूज़ नहीं करते हैं जबकि कॉमन नाउन को हम एक ग्रुप के लिए या एक क्लास के लिए यूज़ करते हैं अब मतलब क्या है इसका मैं कहता हूं कि अली इज़ बॉय अली इज अ बॉय अब अली हमारे पास क्या है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का नाम है एक इंसान का ये एक इंडिविजुअल का नेम है और बॉय हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक ग्रुप का नेम है इसमें हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा बंदे आते हैं तो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान आ जाए एक या इंडिविजुअल आ जाए या मैं कहता तो हूं कि पिशावर इज अची अब पेशावर हमारे पास क्या है पेशावर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह का नाम है इंडिविजुअल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक का तो ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह का या एक पर्सन का नाम होता है जबकि हमारे पास जो कामन नाउन होता है ये हमारे पास एक क्लास का नेम होता है या ये हमारे पास एक ग्रुप का नेम होता है क्लास या ग्रुप का मतलब ये है कि ये नाम आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को दे सकते हैं या ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटी के बेस पर हम उन क्वालिटीज़ के बेस पर ये पॉइंट जिसमें भी होंगे हम उसे क्या कहेंगे हम उसे जो है वो वो नाम देंगे यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अलीना इज अ गर्ल अब अलीना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है उसकी अपनी खसूसियात है उनका अपना जो है वो हेयर स्टाइल होगा उनके अपने जो है वो आंके आंखें जिस तरह होगी या उनका चेहरा जिस तरह होगा या उनके बातें करने का जो स्टाइल होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो है वो अपना इंडिविजुअल होगा लेकिन अब अलीना जो है वो दुनिया की सिर्फ और सिर्फ एक लड़की नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम है अलीना नहीं बल्कि ये गर्ल हमारे पास एक कामन नाउन है जिसको हम कुछ स्पेसिफिकेशन के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर जो है वो हम उसको गर्ल कंसिडर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये हुआ कि आपके पास जो कामन नाउन होता है आप इसको एक क्लास के लिए या एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं जबकि आपके पास जो प्रॉपर नाउन होता है आप इसको एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता लेकिन कामन नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता जबकि कामन नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है इन अगर मैं कहता हूँ कि आई मिट सम आई मिट सम बॉयज़ आई मिट सम गर्ल्स अब आप देख सकते हैं कि बॉय हमारे पास सिंगुलर है और इसका जो हमारे पास प्लूरल है दैट इज बॉयज इस तरह हमारे पास गर्ल है सो गर्ल इज बेसिकली सिंगुलर और इसका हमारे पास जो प्लूरल है दैट इज गर्ल्स लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई मेट सम तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये गलत होगा क्योंकि इमरान हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता या अगर मैं कहता हूं कि ऐसा समझ ऐसा समझ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हमारे पास गलत बन जाएगा क्योंकि समझ हमारे पास प्लूरल नाउन है और प्लुरल सॉरी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल नाउन नहीं होता है लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है लेट सपोज हमारे क्लास में चार लड़के हैं और उन चारों लड़कों का नाम क्या है उन चारों लड़कों का नाम जो है वो समद है तो फिर मैं क्या करूँगा मेरे क्वेश्चन को समझें हमने पहला पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है ठीक है अब भाई यहाँ तो, तो आप लोग समझ गए लेकिन हमारे क्लास में जो है वो चार लड़कियाँ हैं और उन चारों लड़कियों का नाम है हेना या हमारे पास क्लास में चार लड़के हैं और उन चारों लड़कों का नाम है समद तो अब मैं क्या कहूँगा अब याद रखें हमारे पास अगर मैं यहाँ पर यह सेंटेंस इस तरह लिखूँ कि देयर आर फोर हिनाज इन आवर क्लास देयर आर फोर हिनाज इन आवर क्लास या मैं कहूँ कि देयर आर मेनी मैनी इन द हॉल देर आर मैनी सम दॉल तो अब क्या ये सेंटेंसेस हमारे पास ठीक होंगे या ठीक नहीं होंगे तो ये सेंटेंसेज हमारे पास ठीक है तो अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि हमारे पास प्रॉपर नाउन का नहीं होता और अभी आप कह रहे कि आप इसके साथ जो है वो क्या करें आप इसके साथ आ, इसका प्लूरफाम लगा लें तो अब आपके जहन में दो क्वेश्चन होगी कि सर या तो ये गप हैं या ये शप हैं तो क्वेश्चन ये कि न तो ये गप है और ना शब है बल्कि ये आपके पास क्या है आपके पास एक्सेप्शन केसेस है एक्सेप्शन केसेस को जो है वो समझा करें आप हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि किसी भी प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है लेकिन उसका प्लूरल उस प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म तब हम बना सकते हैं जब हम उससे पहले कोई क्वान्टिफायर को यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे क्वान्टिफायर आप क्वान्टिफायर कैसे कहते हैं तो क्वान्टिफायर पर इनशाला हम एक अलहदा क्लास लेंगे जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्वान्टिफायर कैसे कहते हैं और इसको आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अभी आप इस लेवल पर इतना समझें कि हमारे पास किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और उसका अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल ये हैं कि उस प्रॉपर नाउन से पहले हम क्वान्टिफायर को यूज़ करेंगे अगर इससे पहले हम क्वान्टिफायर को यूज़ नहीं करेंगे तो हम उस प्रॉपर नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम उनके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते दें लेकिन हमारे पास जो कामन नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं और हमारे पास जो कामन नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं क्या मतलब है इसका देखिए हमारे पास आर्टिकल्स तीन है ए एन एंड द ए एन द मैं कहता हूं कि आई नीड अ मार्कर मैं कहता हूं आई नीड इन ऑरेंज और इस तरह मैं कहता हूं कि आई नीड द बुक और पहले सेंटेंस में हमारे पास कामन नउन कौन सा है दैट इज मार्कर दूसरे में हमारे पास जो कामन नउन है दैट इज औरेंज तीसरे में हमारे पास जो कामन नउन है दैट इज बुक इन सेंटेंस नंबर वन द काम नाउन इज मार्कर इन सेंटेंस नंबर टू द कामन नाउन इज ऑरेंज एन इन सेंटेंस नंबर थ्री द काम नउन इज बुक अब आप देख सकते हैं कि पहले बुक के साथ मैंने ए लगा लिया दूसरे के साथ मैंने एन लगा लिया तीसरे के साथ मैंने द लगा लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कामन नाउन होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आई मीट अ कामरान या मैं कहूँ कि द समद इज़ राइटिंग या मैं कहूँ कि द अब्दुल्ला इज़ नॉटी या मैं कहूँ कि द फरा आस्क मैनी क्वेश्चन तो अब ये जो हमारे पास सारे सेंटेंसेज होंगे ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे पास गलत होंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कामरान प्रापर नाउन है और हमने इसके साथ आर्टिकल अल ए लगाया है इस तरह यहाँ पर समद हमारे पास जो है वो प्रापर नाउन है हमने इसके साथ आर्टिकल द लगाया है यहाँ पर अब्दुल्ला भी प्रॉपर नाउन है हमने इसके साथ आर्टिकल द लगाया है यहाँ पर फरा हमारे पास प्रॉपर नाउन है और हमने उसके साथ आर्टिकल द लगाया है और रूल के मुताबिक हमारे पास जब प्रॉपर नाउन आएगा तो हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे अब इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है अगर मैं कहूँ द हसीना इस डैश फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि शेरबानो टरेचर हसीना एज डेश शेरबानो ऑफ पुश्तो लिटरेचर दूसरा सेंटेंस मैं बिताऊ के डेश इब्राहिम इज डेश हिटलर ऑफ क्यू सी ए हमारे पास दो सेंटेंसेस है कि डेश हसीना एज डेश शेरबानो ऑफ पुशतो लिटरेचर और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि डेश इब्राहिम एज डेश हिटलर ऑफ क्यों सी है अब याद रखिए कि जब आप टू प्रॉपर नाउंस की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउंस यहाँ पर हम हसीना को शरबानों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम इब्राहिम को हिटलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं सो यू कैन सी दैट वी आर मेकिंग अ कम्पेरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउंस तो अगर आप टू प्रॉपर नाउंस की आपस में कम्पेरिजन करते हैं तो फिर हमारे पास रूल ये हैं कि हमारे पास जो सेकेंड नाउन होगा हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे और पहले नाउन के साथ हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे फिर से सुने हमारे पास अगर किसी भी टू प्रॉपर नाउन्स की हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास जो सेकेंड नाउन होगा आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज़ करेंगे और फर्स्ट नाउन के साथ आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना है इसी तरह दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम इब्राहिम को और हिटलर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इस वजह से फर्स्ट नाउन के साथ हमने कहा कि कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आने का मतलब यह है कि ना तो आपने इसके साथ ए लगाना है ना आपने इसके साथ एन लगाना है और ना आपने इसके साथ द लगाना है तो और दूसरा हमारे पास जो नाउन आएगा तो हम उसके साथ लगा लेंगे आर्टिकल द तो इस वजह से हम कहते हैं कि इब्राहिम इज द हिटलर ऑफ क्यूसी आप लोग के पास पेपर में ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहा है कि देश, गनी खान इज डैश जॉन कीट्स ऑफ पुशतो लिटरेचर डेश गनी डैश जॉन कीट्स ऑफ पुश्तो लिटरेचर तो अब यहाँ पर हम गनी खान को जॉन कीट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इस वजह से फर्स्ट नाउन के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाना और सेकंड नाउन के साथ हम लगा लेंगे आर्टिकल द तो होपफुली आप एक्सेप्शन केस को समझ गए हैं थोड़ा सा अगर मेरी कैप करके आपको बताऊं तो हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं और अगर हम इसके साथ आर्टिकल यूज़ करते तो हमारे पास एक ही एक्सेप्शन केस हैं और वो हमारे पास तब होता है कि जब हम टू प्रॉपर नाउन की आपस में कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंड नाउन आएगा हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे जबकि फर्स्ट के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे सो कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट दैट इज कैपिटल लेटर तो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम इसको हमेशा क्या करते हैं हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं जबकि कॉमन नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखते हैं और ये जो कैपिटल लेटर वाला पॉइंट होता है ये ज्यादातर कहां पर आता है वो जब आपसे कहते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज द करेक्ट सेंटेंस तो जो करेक्ट सेंटेंस आप सेलेक्ट करते हैं ये क्वेश्चन आपके पास वहां पर आता है अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूंगे आइसा अ बॉय तो ये जो हमारे पास सेंटेंस होगा ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि यहां पर हमारे पास जो बॉय आया है ये हमारे पास कामन नाउन है और रूल के मुताबिक इस कॉमन नाउन के साथ हमने इसको क्या करना है स्मॉल लेटर के साथ यूज करना है द ओनली सिचुएशन द ओनली सिचुएशन वेयर यू कैन स्टार्ट अ कामन नाउन विद कैपिटल लेटर इज द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस याद रखिए जब आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में आप उस लेटर को सॉरी उस कामन नाउन को कैपिटल लेटर के साथ लिख सकते हैं अदरवाइज़ आपने हमेशा इसको स्मॉल लेटर्स के साथ लिखना होगा इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि सम गर्ल्स आर टॉकिंग तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये भी गलत होगा क्योंकि हमारे पास ये जो गर्ल्स हैं ये हमारे पास कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन को हम कैपिटल लेटर के साथ यूज नहीं करते हैं इसी तरह अगर मैं यहां पर इस तरह लिखूं कि ऐसा सजाद ऐसा सा सजाद तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये भी क्या होगा ये भी गलत होगा क्यों? क्योंकि सजाद हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हमने हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखना होगा इस तरह अगर मैं कहता हूं कि आई मेट तारिक आई मेट तारिक तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये भी गलत होगा क्योंकि तारिक हमारे पास प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखते है। तो हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो प्रॉपर नाउन आएगा आप हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे तो होपफुली अब इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं, आप उनको जो है वो समझ के फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज Material versus concrete noun. Material versus concrete noun can be seen, can be touched, can be shown to others.

इसी तरह हम कंक्रीट नाउन को भी देख सकते हैं हम मटेरियल नाउन को टच कर सकते हैं और हम कंक्रीट नाउन को भी टच कर सकते हैं हम कंक्रीट नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते हैं और मटेरियल नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते हैं तो फिर इसके दरमियान डिफरेंस क्या है अगर हम इन दोनों को टच भी कर सकते हैं हम इन दोनों को देख भी सकते हैं हम इन दोनों को दूसरों को दिखा भी सकते हैं तो फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन ये है कि मटीरियल नाउन से आप दूसरी चीज़ें बना सकते हैं जबकि कंक्रीट नाउन से आप दूसरी चीजें नहीं बना सकते हैं इस पॉइंट को समझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोग के पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीटेडली आता है कंक्रीट नाउन noun, वो नाउन होते हैं जिनसे आप दूसरी चीजें नहीं बना सकते हैं जबकि मटीरियल नाउन से आप दूसरी चीजें बना सकते हैं अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मार्कर ये मार्कर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके ख्याल से ये कंक्रीट नाउन है या ये मटेरियल नाउन है सो दिस मार्कर इज बेसिकली अ कंक्रीट नाउन क्योंकि आप इससे दूसरी कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं क्या आप इस मार्कर से कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोर्ड है तो आपके ख्याल से ये जो हमारे पास बोर्ड है ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है या ये हमारे पास मटीरियल लोन है तो ये हमारे पास कंक्रीट नोन है क्योंकि हम इससे दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते अब एक बंदा कहेगा कि क्यों नहीं सर हम इससे मेज बना सकते हैं वी कैन मेक अ टेबल फ्रॉम इट तो आप ये जो टेबल बनाएंगे आप इस बोर्ड से नहीं बनाएंगे तो आप किस चीज़ से बनाएंगे जी हाँ आप इस वुड से बनाएंगे तो वुड हमारे पास बन जाएगा मटीरियल नाउन जबकि ये जो बोर्ड हमारे पास है ये हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन यहाँ पर हमारे पास ये प्लास्टिक अब ये जिस प्लास्टिक से बना है दैट प्लास्टिक इज़ बेसिकली मटीरियल नाउन और ये जो हमारे हमारे पास मार्केट है मार्कर है ये हमारे पास क्या ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हो, क्या होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा गलत होते हैं और वो इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस होती है वो इसको नहीं समझ पाते हैं तो याद रखें हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होती है आप उससे दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट yep. पॉइंट है सही yeah. है।, है और इसी के बेस पर फिर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं जबकि कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं जबकि कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड अ वर्ड तो ये गलत होगा अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड अ प्लास्टिक तो ये भी क्या होगा ये भी हमारे पास गलत होगा अब अगर एक बंदा कहते कि मेरा मतलब तो इससे शॉपिंग बैग है तो फिर आप शॉपिंग बैग लेके ना सही है क्योंकि प्लास्टिक तो हमारे पास क्या है यह हमारे पास एक मटेरियल नाउन है लेकिन अगर मैं कहूं आई नीड अ चेयर अब चेयर हमारे पास क्या ये हमारे पास एक कंक्रीट नाउन है और ये चेयर किस चीज से बनी है वुड से बनी है तो आप वुड के साथ तो नहीं लगा सकते लेकिन उस चेयर के साथ लगा सकते हैं अगर मैं कहता हूं कि आई नीड अ प्लास्टिक टेबल आई नीड a प्लास्टिक टेबल अब ये जो ए आपने लगाया ये आपने प्लास्टिक के लिए नहीं लगाया बल्कि आपने इसको टेबल के लिए लगाया है तो टेबल हमारे पास क्या है टेबल हमारे पास कंक्रीट नाउन है जबकि प्लास्टिक हमारे पास क्या है ये हमारे पास मटीरियल नाउन है और फिर इसी में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ हमारे पास मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता जबकि कंक्रीट का आपके पास प्लूरल होता है अब अगर आप कह दें कि आई नीड वाटर्स गलत होगा अगर आप कह दें कि I want words. ये क्या होगा ये गलत होगा लेकिन अगर आप कहते हैं कि he bought chairs, तो ठीक होगा अगर आप कहते हैं कि he bought markers, तो ये भी क्या होगा ये भी आपके पास ठीक होगा अब हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वाटर है वाटर पानी या हमारे पास वर्ड है वर्ड जिसको हम कहते हैं लकड़ी तो ये हमारे पास क्या ये हमारे पास जो है वो मटेरियल नाउन है क्योंकि वाटर से आप मुखलिफम की चीजें बना सकते हैं आप इसे जूस भी बना सकते हैं आप इसे शरबत भी बना सकते हैं और आप इसको पर मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं इस तरह हमारे पास वुड है वुड से आप टेबल भी बना सकते हैं आप इसे चेयर भी बना सकते हैं आप इसे डोर और विंडो वगैरह बना सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास तो इसका प्लूरल फार्म नहीं होगा लेकिन हमारे पास तो वर्ड मौजूद होता है वाटर्स इस तरह हमारे पास वर्ड मौजूद होता है वर्ड्स तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हमने ये जो प्लूरल नाउन का पॉइंट मटीरियल नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया ये गलत है तो नहीं भाई ये गलत नहीं है सही है याद रखे पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज़ नो प्रॉपर देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म या देयर इज़ नो प्लूरल नाउन फॉर अ मटीरियल नाउन और अगर आपको किसी भी मटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नज़र आ जाए तो याद रखें वो उस मटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा बल्कि उसकी जो मीनिंग होगी वो मुकम्मल गलत होगी अब कैसे गलत होगी देखिए वाटर का मतलब क्या है पानी तो अगर हमारे पास आ जाए वाटर्स तो फिर तो इसका मतलब होगा पानिया नहीं इसका मतलब पानी है नहीं है बल्कि इसका मतलब है रिवर जिसको हम दरिया भी कहते हैं तो अगर आप कहते हैं कि वाटर्स तो वाटर्स का मतलब होता है रिवर्स और वाटर का मतलब होता है पानी इस तरह आपके पास वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी लेकिन अगर आप कहते हैं कि वुड्स तो फिर तो इसका मतलब होगा लकड़ियाँ सही है नहीं वुड का वुड्स का मतलब क्या है वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट जंगल अब आप देख सकते हैं कि लकड़ी में और जंगल में कितना जमीन और आसमान का फर्क है तो मैं आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा करूँ कि हमारे पास जो मटेरियल नाउन होता है उसका हमारे पास रूरल फार्म नहीं होता है तो आज के इस लेक्चर में आपने ये सीख लिया कि नाउन किसे कहते हैं फिर हमारे पास जो प्रॉपर और कॉमन नाउन के दरमियान डिफरेंसेज है आपने उसको भी डिस्कस कर लिया है एंड देन यू अंडरस्टूड द डिफरेंसिस बिटवीन मटीरियल एंड कंक्रीट नाउन नेक्स्ट क्लास में इनशाला हमारे पास जो एब्सट्रेक्ट और कंक्रीट नाउन के दरमियान जो फर्क है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और काउंटेबल अनकाकाउंटेबल नाउ के दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको भी डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच लाला हाफिज़